तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने गूगल पे सर्च कर लेना है स्पाइस मनी। तो हम चलिए दोस्तों सर्च कर लेते हैं स्पाइस मनी लॉगिन। इसको आपको जैसे ओपन करेंगे तो आपको इसमें फर्स्ट वाले में दिख रहा होगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों इसमें आपको अपना जो आईडी पासवर्ड है उसको डाल के लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि लोग आपके पास ये आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको हम आईडी पासवर्ड दिलवा देंगे। आप अपना किसी भी बैंक का बैंक बैलेंस चेक भी कर सकते हैं या उसका पैसा भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए हम चलिए दोस्तों हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर आपका ओटीपी भी आएगा, तो क्या है कि आपको ओटीपी इसमें अपना फिल कर लेना है। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा ये स्पाइस मनी का डैशबोर्ड लॉगिन हो गया है। तो इसमें मुझे करना है क्या कि कैसे आप अपने बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं किसी भी बैंक का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा APS लिखा होगा, तो आपको APS पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये मेरा ओपन हो गया है APS का, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा कैश विड्रॉल। तो इसको कैश विड्रॉल पे करके आपको इसमें मिनी स्टेटमेंट कर देना है। तो मिनी स्टेटमेंट क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो आपका डिवाइस है मतलब जो आपका नंबर है उसको इसमें फिल कर लेना है। तो इसमें आपका दोस्तों जो आपका बैंक में आधार कार्ड से लिंक हो वो आधार नंबर इसमें डाल लेना है आपका। चलिए हम आधार नंबर इसमें डाल लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या करना है कि आपका जो भी बैंक से आपका आधार कार्ड लिंक हो उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों जो भी आपके पास डिवाइस हो चाहे मंत्रा हो चाहे मोरपो इस पर आपको सर्च कर लेना है। तो दोस्तों मेरा मंत्रा है, तो चलिए फिर हम इसको स्कैन पे क्लिक करते हैं, स्कैन फिंगर सबमिट। तो जैसे कि दोस्तों मेरा फिंगर जल जाएगा तो आपको क्या करना है उस पर अपना अंगूठा लगा देना है। तो दोस्तों इसमें कुछ एरर आ रहा है कि योर सेक्शन एक्सपायर्ड, ये मेरा बहुत पहले से साथ लॉगिन था इसलिए नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको फिर से लॉगिन करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये बताए थे कि इसमें आपको कोई भी नंबर डाल लेना है, फिर आपको जो अपना आधार कार्ड का नंबर है वो आपको इसमें फिल कर लेना है। चलिए हम डाल लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। फिर आपका जो बैंक हो उस पर क्लिक करके स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आपका फिंगर जलेगा, फिर ये प्रोसीड कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा बैलेंस शो हो गया है, पूरा मिनी स्टेटमेंट निकाल दिया है पॉइंट हो। तो इसमें क्या दिख रहा है, 2 और 7 को मैंने 1000 रुपये निकाला हुआ है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपका टोटल बैलेंस यहाँ पे दिखा दे रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मेरा 727 रुपये है। तो आप ऐसे किसी भी बैंक का आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इलाहाबाद का चेक किया है तो मुझे किसी और बैंक का चेक करना हो तो वही आपको स्टेप फॉलो करना है। जैसे कि हम चलिए मैंने अपना आधार नंबर डाल लिया, मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं। तो आपका अदर बैंक हो जैसे मेरा एक HDFC बैंक है तो इस पर स्कैन करके फिंगर स्कैन हम करते हैं तो आप देख सकते हैं, आप ऐसे करके किसी भी बैंक का बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरा यहाँ पर दिख रहा होगा 1543 रुपये, यहाँ पर आपका नोट मिनी स्टेटमेंट भी दिखा दे रहा है तो आप कितना ट्रांजेक्शन किए हैं इसमें। तो दोस्तों ऐसे अगर आपके पास ये दोस्तों आईडी नहीं है तो आप आईडी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो के बारे में, इस आईडी के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं, अगर आप ये दोस्तों अगर आईडी लेना भी चाहते हैं इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप इसमें रिचार्ज भी कर सकते हैं या आधार पे ATM भी इसमें मिलेगा आपको,
जैसे कि दोस्तों बहुत सारी सुविधाएं आपको इसमें मिल सकती हैं। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको ये आईडी चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए।